दोस्तों, इस श्रृंखला की हर कड़ी वास्तविक चरित्रों और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इनमें ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ किया कि उदाहरण बन गए। हमने उन वास्तविक चरित्रों के साथ साथ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को ड्रामा के रूप में पेश किया है। दुर्ग जिले का धमधा विकास खंड का राजपुर ग्राम जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ कृषि का कार्य अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण लोगों को पत्थर खदान ही मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। चलो कुछ देर सुस्ता ले। बहन, हाँ? बच्चे की तबीयत तो ऐसे में और बिगड़ जाएगा। क्या करूं टेट की भाई, उसे किसके पास छोड़ूं? दो चार दिन की छुट्टी ही कर लेती। छुट्टी? टेट की भाई, तुम तो जानते ही हो कि एक आदमी के कमाई से खर्च चलाना कितना कठिन होता है, और छुट्टी लो तो ठेकेदार नाराज होता है, फिर दूसरे जगह काम के लिए कितनी चिरौरी भी तो करनी पड़ती है। ए टेटकी भाई, साला गप्पे हाँकने की मजदूरी देता हूं क्या? अरे बात ही करना है तो घर जाकर करो, फोकट का पैसा नहीं आता।
चलो इधर का मिट्टी हटाओ। ए उधर, हाँ हाँ उधर, उधर बारूद लगाना है। बातें करने की मजदूरी देता हूं क्या मैं? चलो चलो टेटकी भाई, वरना वहां फिर चिल्लाएगा। दस रुपए हाजिरी में जैसे इसकी गुलामी हो गए। भैया हो भैया मजदूर भैया, बहना मोर बहना मजदूर बहना, दिन रात करते हो काम कि बेटा तेरा भूखे सोए हो राम, दिन रात करते हो काम कि बेटा तेरा भूखे सोए हो राम, कि बेटा तेरा भूखे सोए हो राम, कि बेटा तेरा भूखे सोए हो राम। साक्षरता क्लास जब खुला तो मैंने उनको पढ़ने के लिए बुलाया, तो पहले तो उनको अने घर में कि क्या पढ़ोगे, अभी बचपन में तो नहीं पढ़े, अभी बुढ़ापे में तुम पढ़कर क्या करोगी, इस तरह से भड़काया। रात को अगर क्लास में आती थी तो उनको कहते थे कि अगर तुम पढ़ने जाओगी या चूल्हा फूकोगी। फिर हमने उनको समझाया अगर दो अक्षर पढ़ लोगे तो तुम कुछ समझदारी आ जाएगी, फिर क्या है साक्षरता पढ़ने से कुछ ज्ञान भी मिलेगा। पहले शुरू शुरू में तो गप्पे मारती थी, हंसती थी भी कि हमको पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना भी सीख लिया। बहना मोर बहना सुन मेरी बहना, बहना मोर बहना सुन मेरी बहना, पत्थर बस करो, बहुत हो चुका गीत संगीत, अब कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाए। ओहो भाई, तुम तो बहुत बोलती हो, तुम्हारी बातें कभी खत्म होंगी या नहीं होंगी? एक खदान में रोज मिलती हो, रोज काम करती हो, फिर भी चलो आगे के पार्ट से आगे चलना है या नहीं चलना? अरे भाई, पढ़े लिख कर क्या करेंगे, नाम पता तो लिखना पढ़ना आता ही है। अंगूठा लगाकर भैया में 10 रुपए मिलते थे। खदान में पत्थर ही तो तोड़ना है, मालिक थोड़ी ना बन जाएंगे। अरे क्या पता मालिक भी बन जाए। अरे चुप करो सब, कुछ समझती भी हो? बस हंस दिया ही ही ही। अरे गीता बहन कुछ बोल रही है तो हो सकता है इसका कुछ मतलब भी हो। कभी हंसी देखी थी अपने चेहरों पर? अरे कभी करती थी इतनी बातें? 10 रुपया हाजिरी तो पहले भी मिलती रही, कभी सोचा था उस पर? दो अक्षर पढ़े साथ बैठे तो बात भी करने लगे, हंसी भी आ गई। हंसो, खूब हंसो, लेकिन बात को भी तो समझो। हाँ गीता बहन, क्या बोल रही थी तुम? हाँ तो बहनों, दुर्ग की बहन जी ने हम लोगों के लिए जो समिति बनाई थी, उस समिति के नाम डुवा करा योजना के तहत 15,000 रुपए पास हो गए हैं। गीता बहन, यह डुवा करा योजना आखिर है क्या, और इन 15,000 रुपयों का क्या होगा? डुवा करा ये महिला और बाल विकास योजना है, इसका अंग्रेजी में नाम बहुत लंबा चौड़ा है। और ये 15,000 रुपयों का? ये रोजगार के लिए है, हम इससे कोई रोजगार खड़ा कर सकती हैं। बाई, तुम तो खदान के मालिक होने की बात कर रही थी ना? टेटकी बाई, तुम भी बड़ी अजीब बात करती हो, भला हम भी खदान की मालिक हो सकती हैं क्या? क्यों, ठेकेदार के 4 हाथ हैं या पंख लगे हैं उसके सर पर,
अरे हम ही लोग तो उसका खदान चलाती हैं। टेट की बाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ठेकेदार ने भी तो खदान लीज पर ली है। तो क्या हम भी खदान लीज पर ले सकती हैं क्या? क्यों नहीं। चार हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? देख लिया, देख लिया ना तुम लोगों ने। अरे अगर यही हाल रहा तो गांव के मर्दों को चूड़ियां पहन के घर में बैठना पड़ेगा। ठेकेदार साहब, ये बात मैं पहले से कहा था जब गांव में साक्षरता की क्लास शुरू हुई थी। उसी समय कहा था कि जो कुछ हो रहा है गांव में ठीक नहीं हो रहा है। आखिर वही हुआ। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया है। औरतें अब खदान चलाएंगी और हम लोग घर में जाके चूल्हा फूकेंगे। चूल्हा तो क्या उनको खदान मिल गया? अरे मिला नहीं है तो मिल जाएगा। अब आप लोग रेडी रहिए औरतों के अंडर काम करने के लिए। अरे यार तुम चुप करो, पहले ये तो पता लगाओ कि बात पहुंची कहां तक। ठेकेदार साहब, गांव की महिलाएं दुर्ग गई थी, वो खनन विभाग में अर्जी भी लगा दी है। हाँ साहब, और सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है। राजपुर महिला नवसाक्षर पत्थर कामगार सहकारी समिति का। इतना लंबा नाम हुजूर, ये तो संयोग है कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, नहीं तो बात ऊपर ही ऊपर रह जाते और हम लोग देखते रह जाते। इतना कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। तुम्हारी घरवाली भी तो है ना उसमें। अरे तुम्हें तो पता था या तुम भी चाहते हो कि औरतें खदान की मालकिन हो जाएं? और तुम अपनी ही घरवाली के खदान में काम करो। नहीं हुजूर, हम तो सोचे कि अपना नाम गांव लिखना सब सीख रही हैं, अपना गाना बजाना कर रही हैं, उसी सिलसिले में दुरु गाना जाना हो रहा है। जब ग्राम पंचायत में उनकी अर्जी आई तब हमें सारा कहानी मालूम पड़ा। हम तो भागे भागे आपको बताने चले। ठीक है ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया ना। और जाने दो औरत को घर से बाहर। तुम भी तो पंच हो, सरपंच का क्या विचार है? औरतों को खदान देने के लिए तैयार हो जाएगा? हम क्या बताएं, देना तो नहीं चाहिए, औरतें भला क्या खदान चलाएंगी। देखो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि औरतों को खदान मिलने का मतलब है तुम सबकी नाक कट जाएगी। मैं तो ठेकेदार हूं, यहां नहीं तो कहीं और खदान ले ही लो। तुम लोग सोचो इस गांव के मर्दों के बारे में दूसरे गांव के मर्द क्या सोचेंगे। ठेकेदार साहब, अब इसका उपाय आप ही बताइए। इसलिए कहा है साहब आपके पास। हाँ देखो, मैं तो कहता हूं इन औरतों की मीटिंग सीटिंग ही बंद करवा दो। लखन, कम से कम अपनी घरवाली को तो काबू में रखो। और उनकी मास्टरनी गीता भाई, साली लीडर बनी फिरती है, धनीराम की रिश्तेदार है ना। और केजा भाई, यह तो तुम्हारी भी कुछ लगती है, उसके पति को भी तुम ही कुछ समझा दो। तुम लोग भी दूसरे की सरकारी समिति से लीज के लिए एक अर्जी दे दो, देखते हैं कैसे मिलता है उन्हें। अरे आओ भाई आओ, बैठो, तुम भी।
प्रिया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत पी लिया। ठेकेदार गए हम, तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, ठेकेदार ने उधर भेजा। हमको भी बुलाया था, हम उधर नहीं गया। सब लोग आए था क्या? क्या बोला ठेकेदार ने? बोला अपनी घरवाले को, औरतों को मीटिंग में मत भेजो। नहीं भेजेगा? क्यों भेजेगा? ठेकेदार हमको दारू देता और हम अपनी घरवाली को मीटिंग में भेजेगा? नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। ध्यान रखो, अपनी घरवाली को औरतों के मीटिंग में मत भेजो। नहीं भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा। हाँ, हम उसको समझा देगा, आज ही समझा देगा। कैसे जाएगी साली? अरे काय, आज फिर पीकर आ गए? लगता है ठेकेदार के यहाँ से झूठन चाट के आ रहे हो। अरे मैं नहीं जाता ठेकेदार के यहाँ, बुलाया तो था, सब गए, हम नहीं गए। उसने खुद मेरे को एक बोतल भेज दिया, मैं नहीं गया। देखो कुछ तो मान सम्मान का ख्याल करो, ग्राम पंचायत के पंच हो। मान सम्मान, बारे मान सम्मान। और कल जब मैं अपनी घरवाली के खदान में काम करूंगा तो मेरा मन बहुत बढ़ जाएगा, है ना? क्या हो गया आपको? चलिए खाना खा लीजिए। अरे मैं नहीं खाता खाना। नहीं खाना मुझे खाना होना। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम कल से इन औरतों के मीटिंग में गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो तुम्हारी गीता भाई है ना मास्टर ने, वो अगर हमारे घर के आसपास दिखे तो मैं उसका टांग तोड़ के रख दूंगा। नहीं जाओगे पढ़ने उड़ने? क्यों, मेरे पढ़ने से तुम्हारा क्या काम हो जाता है? घर का काम करती हूँ, खदान का काम करती हूँ, घर का काम छोड़कर तो नहीं गई ना कभी? फिर भी नहीं जाओगे? एक बार कह दिया ना, कहीं नहीं जाओगे तुम। क्यों नहीं जाऊंगी, मैं सब समझती हूँ, तुम्हें किसने बहकाया है? और हम जानी जवान लड़ाती है। टेटकी, आज तुम खदान में क्यों नहीं आई? ये क्या हुआ? अच्छा अब समझी, दारू पीकर मर्दान की दिखाई होगी। क्यों भैया? देखो हमारे घर के मामले में कोई दखल मत दो। भाई, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। क्या तुम्हारी ये हालत बना दी और कहती हो इसमें इसका कोई दोष नहीं है? भाई मैं सब जानती हूँ कि इन लोगों ने इन्हें दारू पिलाया, बहकाया, लेकिन विश्वास रखो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा अब समझ में आई, ये चाल चली जा रही है। हमारे घर में कल कोई रिश्तेदार आए थे, पर तुम्हें नाम नहीं बताऊंगी। वो ये कह रहे थे कि औरतों को खदान के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ने देना चाहिए, अगर वो आई तो महंगा पड़ेगा। लेकिन वो क्या समझते हैं, ना मैं अकेली हूँ और ना ही तुम अकेली हो। आखिर आखिर हमने क्या बिगाड़ा है उनका? भाई गलत तो वे कर रहे हैं जिनके पेट में दर्द होने लगा है। चलो तुम मेरे साथ अभी चलो, चलो आओ। गीता भाई ये माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी इस बेचारे से मांगो। क्या हालत कर दी है तुमने इसकी? टेटकी मुझे माफ कर दो, मैं जनावर गया था। पहले तो मारते हो फिर माफी मांगते हो। ठीक है ठीक है, लकड़ी काट कर अंदर रख देना, मैं अभी आ जाऊंगी। चलो
यहाँ की समस्या तो बहुत भारी है। उसी खदान में पुरुष लोगों का आवेदन और उसी खदान में नवसाक्षर महिला मंडल की आवेदन, तो उसके मेरे को बहुत सामना करना पड़ा कि तहसीलदार के पास जाओ और माइनिंग विभाग जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। ग्राम सभा में भारी हंगामा होने का संभावना था और कई कई ग्राम सभा में हो भी गया। महिलाओं ने जब आवेदन दिया तो चार पंचों ने मेरे को सहमत दिए, बाकी पंच सब एक तरफा थे। उसके बारे में फिर बहुत सुलझा करके बहुत मुसीबत से मैं उन महिलाओं को खदान दिलाया। मैं पर खदान में कमाते हैं, ठेकेदारी में हम दोनों कमाते रहे। एक और बात, वही कमाई में 10 रुपया रोजी आत रही से। उसके बाद हम कमाते हमारे गांव में साक्षरता खुली, तो साक्षरता में पढ़े और पढ़ाए भी हैं। ओखर बाद हम पढ़ते पढ़ते साक्षर हो तो पूरा खदान कमाते सब देखन, तो हम सोचे सब महिला कि खदान महिला सोसाइटी हम बना लेते हैं का, ऐसे सोच के हम तो महिला सोसाइटी खोलें कहाँ कि सरपंच में पंचायत में प्रस्ताव करवाएं। पंचायत की अनुशंसा के बाद भी महिला समूह को पत्थर खदान मिल जाना इतना आसान नहीं था। कभी पटवारी कभी तहसीलदार इन्हें बहुत परेशान किया, कभी कागज के लिए दौड़ाते कभी नक्शा खसरा के लिए दौड़ाते, और उन सब ने मिलकर इतना परेशान किया कि ये महिला समूह चुप बैठ जाए और पत्थर खदान की दोबारा मांग ना करे। और लखन, सुना है औरतें खदान की मालकिन बन रही हैं, क्यों कब से शुरू हो रहा है खदान? भाई हमें भी कुछ काम वाम दे देना, मुंशी मुंशी ही रख लेना। हाँ भाई, मुझे तो लगता है तहसीलदार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अब तो लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे भाई, वो 15,000 तो कब के खत्म हो गए, आने जाने में, कागज पत्री बनाने में, समिति के काम में। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना चाहिए, वरना हमारी औरतें बेचारी निराश हो जाएंगी। हाँ भाई, काम का हर्जा तो होता ही है, मजूरी भी मारी जाती है। मुझे तो लगता है तहसीलदार मिला हुआ है, वे चाहते हैं औरतें निराश होकर बैठ जाएं। हाँ यही बात है, कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या सचमुच हमें खदान मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए हमें पैसे जुटाने होंगे। भाई, अगर हम सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जोड़ें तो हमारे पास पैसा भी रहेगा, और वैसे भी खदान शुरू करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए होगा। अरे पहले खदान तो मिल जाए फिर आगे की सोचना। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा? पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया है तो तहसीलदार भी कब तक टाल सकता है। वो दुर्ग वाली दीदी कह रही थी कि वो कलेक्टर से बात करेंगी। दीदी, तहसीलदार कलेक्टर से बड़ा होता है क्या? नहीं, तहसीलदार कलेक्टर से बड़ा नहीं होता। हाँ, कागज पत्र के मामले में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर कर सकता है, इसलिए हम लोगों को होशियार रहना पड़ेगा। टेटकी बाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरह से उन पे जोर डाला जा रहा है। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें नहीं रोका था? हाँ भाई, पैसा तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अब हमें कोई और कदम उठाना होगा। लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। क्या? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम लोगों को हमारा बंधा हुआ काम बिगड़ जाए। नहीं भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो कोई धमाका ही करना पड़ेगा। बहना मोर बहना, जागी मेरी बहना, बहना मोर बहना, छोड़ दे अब सहना, कर दे तू आज ये ऐलान कि चारों ओर उठा है तूफान, कर दे तू आज ये ऐलान कि चारों ओर उठा है तूफान, कर दे तू आज ये ऐलान कि चारों
आंदोलन का ही परिणाम था कि तहसीलदार ने ग्राम सभा बुलाई, जिसमें लीज का हिस्सा बढ़ाया और आधा हिस्सा पुरुष समिति को और आधा हिस्सा महिला समिति को दिया, जिसमें 27 महिलाएं शामिल थी और आज वो महिला समिति उस खदान की मालिक है। एक बात, तब पढ़े लिखे तब अपन ज्ञान है सपन से तो संगठन हो 27 बहनी, 27 बहनी गठन हो के अपन काम करत हन। मैं तो साक्षरता में पढ़ी तो चलो भाई इसी समिति बनाबो के कुछ खाबो कमाबो इसे के समिति बनाए। ठेकेदारी में जात रहे तो 10 रुपये हम काम करत रहे, महीने में हम लोग 1000 रुपये कमा लेते हैं। साक्षरता में पढ़ने से जैसे हम लोग यानी साक्षरता ज्ञान के उसी तरह अपने बच्चों को भी पढ़ाने के, साक्षरता से उनको एक प्रकार से अच्छा ही यानी उनको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद में आज खदान मालकिन हुई, और खदान मालकिन के बाद में यानी उनको महसूस हुआ कि अगर हम पढ़ लिख ली हैं तो रोजगार के अंतर्गत यानी उनको खदान चलाने से काफ़ी यानी नफा भी हुआ। खैर वैसे तो यानी खदानों में और कोई भी धंधा करने में घाटा नफा तो आता ही है, शुरू शुरू में कोई भी काम करते हैं तो दुख तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन दुख के साथ साथ हमको सुख भी मिलेगा। जो कदम तुमने चले हैं, जो राह तुमने दिखाए, खुलने लगी है आज फिर बंद गली की खिड़कियां, बंद गली की खिड़कियां। और कारवां बनता गया, कारवां बनता।